जन औषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती दवाई की दुकान गरीब के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनी है। हमारे यहाँ ऑपरेशन के पीछे, स्टैंड के पीछे जो खर्च होते थे, आने वाले दिनों में नी के ऑपरेशन के लिए भी जो खर्च किया जाए, हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग के मानवी के लिए ये खर्च कम हो, और उसके लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आम आदमी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का भरोसा दे रहे थे। तमाम जरूरी दवाओं के दाम कम कर, बाईपास सर्जरी के स्टेंट और नी ट्रांसप्लांट पर बड़ी राहत देकर वो इसे पूरा भी कर चुके हैं। अब उनकी कोशिश है मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों की कीमतों को नीचे लाने की, ताकि इनसे मिलने वाले इलाज गरीब की पहुंच में आए। पीएम के इस सपने में सबसे बड़ा मददगार बनने जा रहा है उन्हीं का मेक इन इंडिया का अभियान। सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिससे 80% से ज्यादा विदेश से इंपोर्ट होने वाले उपकरणों के दाम कम हो सकेंगे। ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी मेक इन इंडिया पर सरकार का पूरा जोर रहेगा। सरकार इन डिवाइसेस को बाहर से आयात नहीं करेगी, बल्कि इनका निर्माण देश में ही करवाएगी। NPPA के तहत एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जो कि मेडिकल डिवाइसेस के प्राइस पर नजर रखेगा। अभी मेडिकल डिवाइसेस का देश भर में $7 बिलियन का कारोबार है, और इसमें हर साल 15% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की यह पॉलिसी आने के बाद इसमें जबरदस्त बूम आएगा। सच यही तो है पीएम मोदी का न्यू इंडिया का ख्वाब।